हेलो सर, मेरा नाम सृष्टि विज्ञा है और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, मैंने 12 अगस्त को आपका एपिसोड देखा था बियर ग्रिल्स के साथ, जिसमें आप आए थे। तो सर, मुझे वो आपका एपिसोड देख के बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारे नेचर, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट की कितनी ज़्यादा फिकर है, कितनी ज़्यादा केयर है। और सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको इस नए रूप में, एक एडवेंचरस रूप में देख के। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपका इस एपिसोड के दौरान एक्सपीरियंस कैसा रहा। और सर, लास्ट में एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि आपका फिटनेस लेवल देख के हम जैसे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं आपको इतना फिट एंड फाइन देख के। सृष्टि जी, आपके फ़ोन कॉल के लिए धन्यवाद। आपकी ही तरह हरियाणा में सोहना से के पांडे जी और सूरत की ऐश्वर्या शर्मा जी के साथ कई लोगों ने डिस्कवरी चैनल पर दिखाए गए मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड के बारे में जानना चाहा है। इस बार जब मन की बात के लिए मैं सोच रहा था तो मुझे पक्का भरोसा था कि इस विषय में बहुत सारे सवाल आएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। और पिछले कुछ हफ्तों में मैं जहाँ भी गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, वहाँ मैन वर्सेस वाइल्ड का भी जिक्र आ ही जाता है। इस एक एपिसोड से मैं न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया भर के युवाओं से जुड़ गया हूँ। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि युवा दिलों में इस प्रकार से मेरी जगह बन जाएगी। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश के और दुनिया के युवा कितनी विविधता भरी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि कभी दुनिया भर के युवा के दिल को छूने का मेरी ज़िंदगी में अवसर आएगा। और होता क्या है, अभी पिछले सप्ताह में भूटान गया था। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री के रूप में मुझे जब से जहाँ भी जाने का अवसर मिला, और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के कारण स्थिति ये बन गई है कि दुनिया में जिस किसी के पास जाता हूँ, बैठता हूँ, तो कोई न कोई 5-7 मिनट तो योगा के संबंध में मेरे से सवाल जवाब करते ही करते हैं। शायद ही दुनिया का कोई बड़ा नेता ऐसा होगा जिसने मेरे से योगा के संबंध में चर्चा न की हो, और ये सारी दुनिया में मेरा अनुभव आया है। लेकिन इन दिनों एक नया अनुभव आ रहा है। जो भी मिलता है, जहाँ भी बात करने का मौका मिलता है, वे वाइल्ड लाइफ के विषय में चर्चा करता है, एनवायरनमेंट के संबंध में चर्चा करता है, टाइगर, लायन, जीव सृष्टि। और मैं हैरान हूँ कि लोगों की कितनी रुचि होती है। डिस्कवरी ने इस कार्यक्रम को 165 देशों में उनकी भाषा में प्रसारित करने की योजना बनाई है। आज जब पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एक वैश्विक मंथन का दौर चल रहा है, मुझे आशा है कि ऐसे में यह कार्यक्रम भारत का संदेश, भारत की परंपरा, भारत के संस्कार यात्रा में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, इन सारी बातों से विश्व को परिचित कराने में ये डिस्कवरी चैनल का ये एपिसोड बहुत मदद करेगा, ऐसा हमारा पक्का विश्वास बन गया है। और हमारे भारत में क्लाइमेट जस्टिस और क्लीन एनवायरनमेंट की दिशा में उठाए गए कदमों को अब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग संकोच के साथ भी मुझे एक बात जरूर पूछते हैं कि मोदी जी बताइए, आप हिंदी बोल रहे थे और बेयर ग्रिल्स हिंदी जानते नहीं है, तो इतना तेजी से आपके बीच संवाद कैसे होता था? ये क्या बाद में एडिट किया हुआ है, या इतना बार बार शूटिंग हुआ है, क्या हुआ है? बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछते हैं। देखिए, इसमें कोई रहस्य नहीं है, कई लोगों के मन में सवाल है, तो मैं इस रहस्य को खोल ही देता हूँ। वैसे वो रहस्य है ही नहीं, रियलिटी तो यह है कि बेयर ग्रिल्स के साथ बातचीत में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। जब मैं कुछ भी बोलता था तो तुरंत ही अंग्रेजी में साइमेंटेनियस अनुवाद होता था, साइमेंटेनियस इंटरप्रिटेशन होता था, और बेयर ग्रिल्स के कान में एक कॉर्डलेस छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, तो मैं बोलता था हिंदी लेकिन उसको सुनाई देता था अंग्रेजी, और उसके कारण संवाद बहुत आसान हो जाता था। और टेक्नोलॉजी की यही तो कमाल है। इस शो के बाद बड़ी संख्या में लोग मुझे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के विषय में चर्चा करते नजर आए हैं। आप लोग भी नेचर और वाइल्ड लाइफ, प्रकृति और जन्य जीवों से जुड़े स्थलों पर जरूर जाएं। मैंने पहले भी कहा है, मैं जरूर कहता हूं आपको, अपने जीवन में नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए, क्या प्रकृति है वहां, आप देखते ही रह जाएंगे, आपके भीतर का विस्तार हो जाएगा। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने आप सभी से आग्रह किया था
कि अगले 3 वर्ष में कम से कम 15 स्थान और भारत के अंदर 15 स्थान और पूरी तरह 100% टूरिज्म के लिए ही ऐसे 15 स्थान पर जाएं, देखें, अध्ययन करें, परिवार को लेके जाएं, कुछ समय वहां बिताएं। विविधताओं से भरा हुआ देश आपको भी, ये विविधताएं एक शिक्षक के रूप में आपको भी भीतर से विविधताओं से भर देंगे। आपका अपने जीवन का विस्तार होगा, आपके चिंतन का विस्तार होगा। और मुझ पे भरोसा कीजिए, हिंदुस्तान के भीतर ही ऐसे स्थान है जहां से आप नई स्फूर्ति, नया उत्साह, नया उमंग, नई प्रेरणा लेकर के आएंगे। और हो सकता है कुछ स्थानों पर तो बार बार जाने का मन आपको भी होगा, आपके परिवार को भी होगा।